बॉलीवुड के वो टॉप एक्टर्स आज करते हैं करोड़ों चार्ज, पर इनकी फर्स्ट सैलरी आज के मुकाबले कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड दोस्तों अजी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहां पर कई एक्टर्स करोड़ों में फीस चार्ज करते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़। आजकल एक छोटी फिल्म का बजट होता है, जिसमें से ज्यादातर बजट अगर उसमें बड़े एक्टर्स को लिया जा रहा है तो वही ले लेते हैं। आज दोस्तों आपको उन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें बॉलीवुड में ए लिस्टर्स कहा जाता है, और वो अपनी फिल्मों के लिए करोड़ों में चार्ज करते हैं, पर इनका जो फर्स्ट पे चेक था वो बहुत ही कम था। सो जानते हैं कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले एक्टर आ रहे हैं ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने फिल्म आशा से डेब्यू किया था इंडस्ट्री में, और ऋतिक रोशन की पहली अर्निंग जो रही थी इस फिल्म के लिए वो मात्र 100 रुपए रही थी। अगली एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट। आलिया भट्ट दोस्तों इन्होंने भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। 1999 में एक फिल्म रिलीज हुई थी संघर्ष, इसमें उन्होंने 15,000 का चेक लिया था और इस फिल्म में काम किया था। वही लिस्ट में अगले नंबर पर आ रही हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण आज बॉलीवुड की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। बताया जाता है कि दीपिका पादुकोण ने इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले उन्होंने मॉडलिंग में पहले काम शुरू किया था, और इसके लिए उन्हें अपनी फर्स्ट मॉडलिंग के लिए उन्हें 2,000 रुपए मिले थे। अब अगले नंबर आ रहे हैं अमिताभ बच्चन। प्रपोज किया तो अमिताभ बच्चन जो हैं उन्हें अपने बॉलीवुड में पहले काम के लिए 500 रुपए सैलरी मिली थी। वही अब अगले नंबर आ रही हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जिन्हें 2000 में मिस वर्ल्ड का क्राउन मिला था, बताया जाता है कि उनकी फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए उन्हें मात्र 5,000 रुपए मिले थे। अगले नंबर पर आ रहे हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आज बॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं, पर बताया जाता है कि इनकी फर्स्ट सैलरी जो रही थी वो मात्र 1,500 रुपए रही थी। बस लिस्ट में आखिरी नाम आ रहा है शाहरुख खान का। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपने पहले इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि उन्होंने सबसे पहले कॉन्सर्ट में एज ऊशर काम किया था, और यहाँ पर उन्हें 50 रुपए का पेचेक मिला। खैर दोस्तों, अब आपका इस सबको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय आप कॉमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।